hi friend I am Barun from only English today we will read the first chapter from the book with stars of class 12th the name of the chapter is the third level it has been written by Jack Finney Walter Barden, Jack Finney he was born on 2nd October 1911 and died 14th November 1995 he was a novelist शॉर्ट स्टोरी राइटर ही यूज टू राइट साइंस फिक्शन अक्सर वो साइंस फिक्शंस की स्टोरी लिखा करते थे और ये जो आपका चैप्टर है थर्ड लेवल ये भी इसी तरीके का है ये जो थर्ड लेवल है एक्चुअली इट वॉज पब्लिश इन सेवंथ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी तो इसमें एक तरह से टाइम ट्रेवल टाइम ट्रेवल की बात की गई कि पुराने समय में हम कैसे Uh, कोई चला जाता है एक तरह से और इसीलिए लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड हैव यू एवर हैड एन एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुआ है जो दूसरे को विश्वास नहीं होता दूसरा उस पर मुश्किल से विश्वास करेगा तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई है ठीक पढ़ते हैं चैप्टर को अब यहाँ से शुरुआत होती है द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क अब यहाँ पर लाइन लिखा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क फिर न्यू न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर ऑन द स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू अब एक चीज बता देते हैं कि इसमें जिस चीज़ की चर्चा की गई है खास करके चर्चा ये की गई है कि थर्ड लेवल किसका थर्ड लेवल तो जो द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है न्यूयॉर्क सिटी में उसको द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल भी कहा जाता है या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी कहा जाता है लगभग ये आपको फोर्टी टू स्ट्रीट पार्क एवेन्यू के पास पड़ता है इस पर फोर्टी फोर प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बड़े लगभग लगता है वर्ल्ड में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये तो इसी में क्या है कि जो राइटर है वो कहता है कि उस पर दो लेवल है दो लेवल का मतलब दो फ्लोर फर्स्ट पहला और सेकंड और सारा ये ग्राउंड है अंदर ग्राउंड है सारा कुछ और है तो एक्चुअल में ये दो ही लेकिन ये नरेटर कहता है कि इस पर तीन है इस पर तीन फ्लोर है और एक फ्लो फ्लोर पे जो है एक लेवल पे है फ्लोर का मतलब यहाँ लेवल का मतलब फ्लोर कह सकते हैं कि एक लेवल पे नरेटर खुद गया है और बाकी दो लेवल सबको पता है एक लेवल पे वो खुद गया है जो कि सच में है नहीं और इसी बात को बताने की कोशिश किया कि जो कि कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं तो इसी कह रहे द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क यानी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क ये सारे सा रेलवे स्टेशन का नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल uh, या न्यूयॉर्क जैसे कि अगर आप मेट्रो चलता है दिल्ली में तो जैसे रोहिणी ईस्ट है रोहिणी वेस्ट है इसी तरीके से न्यूयॉर्क सेंट्रल न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रेल रोड्स विल विल शेयर ऑन द स्टेक ऑफ़ टाइम टेबल अब यहाँ एक तरह से मज़ाक उड़ाने की भी बात की कि एक ईडियम है स्वेयर ऑन स्टेक ऑफ़ बाइबल्स इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि वी प्लेस यानी कि हम लोग शपथ जैसे हम कहते हैं कि हम लोग गीता पे याद रख के कहते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे इसी तरीके से एक ईडीएम है कि स्वेयर ऑन द स्टेक ऑफ़ द बाइबल यानी कि मेक अ सीरियस सोलमन य प्लेस स्पेशली दैट वन इज टेलिंग ट्रू तो यानी ये जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैं जो है इन सारे स्टेश प्रेसिडेंट जो है न्यूयॉर्क सेंट्रल के या न्यूयॉर्क के या न्यू हेवन के या न्यून के विल स्वेयर ऑन द स्टेक ऑफ द टाइम टेबल यानी कि वो शपथ खा के कह सकता है कि देर आर ओनली टू यानी दो ही लेवल है बट आई से देर आर थ्री लेकिन मैं कहता हूँ नरेटर कहता है कि तीन है तीन लेवल है वहाँ आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्योंकि वो कहता है कि मैं तीसरे जो लेवल है ग्रैंड uh, सेंट्रल का मैं उस पर होके आ चुका हूँ यस आई हैव बीन टेकन द ऑबियस स्टेप अब ये जो बात बता रहा है ये थोड़ा सा विचित्र सी बात बता रहा है इसीलिए वो कह रहा है कि ये सब बताने से के लिए मैंने सारे स्टेप जो है वो ले चुका हूँ आपके क्या लिस्ट है आई टॉक टू अ साइकट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माई मेरा जो दोस्त है साइकैट्रिस्ट मैं उससे बात किया हूँ अमंग अदर्स और दूसरे से क्योंकि ये जो बात ये कह रहा है ये इस लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए कह रहा है कि आई हैव टॉक टू आई टॉक टू अट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया एंड ही सेट इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिल्मेंट और उन्होंने मुझे कहा कि ये वॉकिंग ड्रीम है यानी कि सॉरी वेकिंग ड्रीम यानी कि लोग जो दिन में सपना देखता है और विश फुलफिलमेंट और विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि ऐसा जिसकी पूर्ति हो जाए ऐसा विश फुलफ़िलमेंट जिस एक तरह से जब दिन में कोई सपना देखेगा तो वो आ, पूरा हो जाए एक तरह से ये तो मजाक वाली बात तो जो उसके दोस्त वगैरह वो कहता है कि इट्स वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट जो कि तुम्हारा सपना जो है दिन में पूरा हो जाता है ही सेड आई वॉज़ अनहैप्पी यानी उसके दोस्त ने कहा साइकेट्रिस्ट दोस्त ने कहा जो साइकेट है वो कि मैं दुखी हूँ दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड but he explained that this meant this uh, uh, he explained that he meant he meant the mo, uh, modern world is full of insecurity fear war worry and all other rest of the thing unhone kaha ab jab usne kaha ki कि ये एक मैं दुखी हूँ तो इस बात को सुनकर जो मेरी वाइफ है यानी कि नरेटर की जो वाइफ है वो काफ़ी मैड यानी कि काफ़ी निराश हो गई लेकिन जो इसके साइकेट्रिस्ट दोस्त है उसने कहा कि ये जो दुनिया है एक्सप्लेन दैट ही मीन मॉडर्न वर्ल्ड में जो है इनसिक्योरिटी है फियर है वॉर है लोग चिंतित हैं और इन सब कारण अरेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू स्केप और इन सब चीज़ों को मैं इस्केप करना चाहता हूँ और इन सब चीज़ों से मैं इस्केप होना चाहता हूँ इसीलिए मैं ऐसी सी बातें कर रहा हूँ जस्ट आई वॉन्ट टू स्केप वेल हु डजेंट तो अब ये कह रहे हैं हाँ कौन नहीं करना चाहते एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप जिससे भी मैं, जिसको भी मैं जानता हूँ वो वो इन सब चीज़ों से स्कीप करना चाहता है बट दे डोंट वेंटर डाउन इंटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो फिर वो कहता है कि हाँ जो चीज़ तुमने बताया इन सिक्योरिटी फिर उसे तो सब भागना चाहता है लेकिन कौन जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे घूमते रहे वेंडर का मतलब होता है बिना किसी का पर्पस के इधर उधर घूमना तो कौन या सेंट्रल स्टेशन पे चला गया या घूम रहा कौन गया वहाँ पे बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री तो फिर साइज ने कहा यही तो कारण है यही कारण है कि थर्ड लेवल पे चूँकि तुम इन सब चीज़ों से बचना था, चाहते हो इसीलिए तुम थर्ड लेवल पे चले डैट्स द रीज़न ही सेट एंड माई ऑल फ्रेंड्स एग्री और जो मेरे सारे दोस्त इस बात से एग्री हो गए एवरी एवरी थिंग पॉइंट टू इट हर चीज़ इसी तरफ इशारा करता है ही क्लेम उसने कहा सारे दोस्त ने माई स्टैम्प्स कलेक्शन कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल्स फॉर एग्ज़ाम्पल दैट तो आप जैसे करें कि जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ यानी नाइटा जो स्टैंप कलेक्शन करता है तो न्यूयॉर्क अमेरिका वगैरह में स्टैम्प कलेक्शन बड़ा एक हॉबी होता है जो नया नया स्टैम्प्स यूज़ शो किया जाता है उसको तो कह माई स्टेम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल्स दैट्स द टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्राम द रियालिटी यानी कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन है या इस तरह का चीज़ है वो एक तरह से इंडिकेशन है कि मैं इन सब चीज़ों को भागना चाहता हूँ फिर दैट्स द टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी रिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है किसी चीज़ से आप बचना चाहते हैं रिफ्यूज़ का मतलब प्रोटेक्शन फ्राम डेंजर ट्रेवल और यानी ये टें्प्रेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से रियलिटी तुमको फेस करना पड़ेगा तो फिर अब नरेटर कहता है वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को तो इस रियलिटी से बचने की को, कोई ज़रूरत नहीं थी थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल उनके ज़माने में तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था उनको तो किस इन सब चीज़ों से बचना नहीं था इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर जो कुछ मैं सुनता ही स्टार्टड माई कलेक्शन्स यानी कि उन्होंने जो अब माई कलेक्शन का मतलब जो कलेक्शन मैं करता हूँ वो उन्होंने शुरुआत किया था और मैंने फॉलो किया यानी कि मैरेटर ने इट्स ए नाइस कलेक्शन टू उनका जो कलेक्शन था तो काफ़ी अच्छा था ब्लॉग्स ऑफ फोर पर्टिकुलरली एवरी यू एस ईशू यानी कि जो वो कलेक्शंस करते थे स्टैम्प कलेक्शन की बात करते उसमें ब्लॉग्स ऑफ फोर अब अब ब्लॉक्स ऑफ फोर का मतलब होता है जब भी आप स्टैम्प कोई ख़रीदता है तो एक स्टम्प खरीदता है लेकिन ब्लॉक बना होता है यानी कि चार पाँच का बना होता है तो इस तरीके से ब्लॉक्स ऑफ फोर पर्टिकुलरली तो खास करके उसके जो ग्रैंड फादर थे वो चार जो स्टम्प्स होते थे एक ब्लॉक में बना होता था उसको ख़रीदते थे इशूज़ फर्स्ट डे कवर वैसे फ़र्स्ट डे कवर का मतलब लास्ट में बताया गया है जो स्टोरी के एंड में पता चलेगा लेकिन हम पहले बता देते हैं कि फ़र्स्ट डे कवर क्या होता है जब पहली बार कोई स्टैम्प इशू होता है इंडिया में भी जब पहली बार कोई स्टैम्प इशू होता है तो उसको फर्स्ट डे कवर करते हैं तो उसमें क्या होता है फ़र्स्ट डे कवर में ये भी बताया जाता है कि स्टैम्प के डिज़ाइन क्या है कैसे है उसमें कितने कॉस्ट लगे उसकी क्या थीम है ये सब चीज़ बताया जाता है तो यानी फर्स्ट डे जब कोई भी स्टैम्प इशू होता था तो उसके ग्रैंडफादर वगैरह खरीदते थे और ये भी ख़रीदता है एंड सो ऑन इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूस बेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू यू नो अब फिर ये नरेटर उस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहा है अपने सेक्रेटरी का कि हाँ ठीक है हमारे साथ समस्या है हमारे ग्रैंडफादर खरीदते थे लेकिन प्रेसिडेंट रूस बेल्ट जो थे इतने बड़े प्रेसिडेंट थे वो भी तो खरीदते थे, तो थे वो भी तो कलेक्टिन करते थे तो क्या वो भी इन सब रियलिटी से अलग होना चाहते थे एनी वे हेयर वॉट्स हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल अब कहता कि चलो ये कैसे हुआ वो बताने की अब ये कोशिश करता नरेटर वन नाइट लास्ट समर एक दिन एक रात में लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस मैं ऑफिस में थोड़ा लेट तक काम किया आई वॉज़ इन हरी टू गेट अप टाउन टू अपार्टमेंट और मैं जल्दी में था कि मैं अपने अपार्टमेंट पहुँचूँ अप टाउन जो है एक तरह से एडवरव और एडजेक्टिव होता है इसका मतलब है टू या इन की तरफ तो मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ़ जाना चाहता सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस अब यहाँ पर इंडिया में सब्वे का मतलब नॉर्मली जो रास्ते के अंदर बना दो उसको लेकिन वहाँ अमेरिका में सब्वे का मतलब रेलवे होता है और इवन की जो मेट्रो वगैरह चलती है जैसे कि मुंबई में लोकल ट्रेन चलता है उसको लोकल कहते हैं दिल्ली में मेट्रो चलता है उसको, उसको लेकिन वहाँ जो लोकल ट्रेन खास कर कहता है उसको सब्वे कहा जाता है तो आई डिसाइडेड टू टेक द सब्वे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल मैं ग्रैंड सेंट्रल से सोचा कि सब्वे ले लेता हूँ बिकॉज इट्स अ फास्टर देन द बस क्योंकि ये बस से ज़्यादा जल्दी मुझे पहुँचा ना आई डिडन्ट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी फिर कहता है कि वो वहाँ पर कहा कि मैं लेता हूँ फिर ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ था टू मी आई जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली मेरा तो मैं एक ऑर्डनरी गाय हूँ जिसका नाम कि चार्ली है थर्टी वन ईयर्स जिस जो मेरा एज है थर्टी वन ईयर्स है ओल्ड एंड आई वॉज वियरिंग एट टैन टैन हाँ टैंक गार्ड, गार्बीन सूट अब गार्बन गारबाडीन कहा जाता है इसको गारबेडीन सूट अब गारबर्डीन एक क्लोथ होता है लेकिन एक तरह से हम कहते हैं ये टैन गैबडिन सूट जो है ये क्या होता है तो गैबडिन सूट जो होता है एक तरह से जो पुराने मूवी में देखते होंगे कि जो हीरो खास करके हॉलीवुड मूवी जो लंबा सा कोट पहनता था उसको कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि आई वॉज वियरिंग ए टेन गैबरेडीन सूट एंड अस्ट्रॉ हैट और स्ट्रा हेट अगर आप देखना चाहे तो इस पिक्चर में ऊपर में दिया है इस तरह से स्ट्रॉ हैट उसमें दिया है विद विद अ फैंसी बैंड और उस पर उस पर बैंड लगा होता है इस तरीके से उसको हम कहते हैं फैंसी बैंड आई पास्ट अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी मैं काफ़ी लोगों से uh, होकर के गुजरा जो मेरे तरह दिखता था एंड आई वॉजन ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनी और मैं किसी चीज़ से अलग तो होना नहीं चाह रहा था आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ और मैं जल जल्दी से अपने वाइफ के पास जाना चाहता जिसका नाम की लुइसा है आई टर्न इंटू द ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरविल्ड एवेन्यू और क्या था कि मैं कहाँ ग्रैंड सेंट्रल में जाना चाहता था कहाँ से वेंडरविल्ड एवेन्यू से मैं आई टर्न इंटू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरविल्ड वेंडरविल एवेन्यू से वो ग्रैंड सेंट्रल में जाना चाहता था एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल और फिर मैं फर्स्ट लेवल पे जाना गया वेयर यू कैन टेक ट्रेन लाइक ट्वेंटी सेंचुरी जहाँ पर कि आपको ट्रेन कहाँ का मिलेगा ट्वेंटी ईथ सेंचुरी तो एक चीज़ बता देते कि ये जो बुक पब्लिश हुआ था ये नाइनटीन नाइनटीन फिफ्टी में हुआ था तो नाइनटीन फिफ्टी में हुआ था और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वेयर यू टेक द ट्रेन लाइक ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि ट्वेंटी सेंचुरी का वहाँ पर ट्रेन में तो सोच लीजिए कि उस जमाने में किस तरह का आपको ट्वेंटी सेंचुरी का ट्रेन आपको मिलेगा तो आज से तो काफ़ी पुराना ही होगा आज, आज इतने मॉडर्न चलते हैं ट्रेन चलता है तो फर्स्ट लेवल पे इसको कौन सा ट्वेंटी देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल फिर मैं सेकेंड लेवल पर गया वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव्स फ्रॉम अब सबर्बन ट्रेन क्या होता है जो आ, और खास करके जो सेंट्र ये बनाया गया है आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बनाया गया है तो फर्स्ट लेवल का जो ट्रेन है वो आपको जो इंटरसिटी है यानी कि खास करके न्यूयॉर्क वगैरह में वहाँ पर चलता है और नीचे जो लेवल है यानी सेकंड लेवल जिसको कहते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी से जो बाहर जाती है ट्रेन उसके लिए सब का मतलब वही होता है कि जो बाहर की जो दूर जाने वाली ट्रेन होते हैं उसको कहते हैं वेदर दबर्बन ट्रेन लीव्स यहाँ से कि सब अर्बन ट्रेन आपको मिलेगा डकट इंटू अ आर्क डोरवे हेडिंग फ्रॉम द सब वे और फिर क्या कहता है डकट इंटू का मतलब होता है कि बैंड यानी कि आप जब कहीं पर झुक कर के कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं डक तो वो क्या कहता है कि मैं डक इंटू द आर्क वे डोरवे आर्क डोर वे यानी कि एक आर्क के तरह, की तरह जैसे कि सर्कल का जो आर्क होता है उस तरह से जो डोर वे बना होता है उसमें घुसा हेडिंग फॉर द सब वे जो कि सब वे की तरह रेलवे स्टेशन के रेलवे पर जा रहा था एन गॉट लॉस्ट और फिर कहता है मैं यहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ से मैं गायब हो गया एन गॉट लॉस्ट दैट्स द ईजी टू डू ये बड़ा आसान है कि आई हैव बिन इन द आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल ऑफ हंड्रेड टाइम्स अब कहता है आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम्स कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जा चुका हूँ और आ चुका हूँ लेकिन यहाँ पर जो है ना कि एन गॉट लॉस्ट यानी कि उस कहा कि मैं यहाँ पर उलझ गया तो उलझ गया जैसे आप कभी भी सी पी अगर नया लोग कनाट प्लेस जाता है तो हो सकता है कि पहली बार में उसको थोड़ा सा भूल भलोया टाइप से हो जाए तो इसी तरीके से कहता है कि हेडिंग फॉर अ सब बे एन गॉट लॉस्ट वहाँ पर मैं भूल सा गया उलझन उल में पड़ गया दस इजी टू डू और फिर ये कहता है कि हाँ ये होना स्वाभाविक है फिर कहता है कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम्स यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं हंड्रेडो बार जा चुका आ चुका बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इंटू द न्यू डोर्स स्टेशन एंड कॉरिडोर लेकिन मैं हमेशा किसी न किसी चीज़ से अब बम्प इंटू का मतलब होता है बम्प इंटू समन एक फ्रेज है बम्प इंटू सम का मतलब होता है कि मीट सम वन अनएक्सपेक्टेडली तो यहाँ पर क्या है बम्प डोरवे स्टेयर कॉड यानी कि कहता कि मैं कितने बार सेंट्रल स्टेशन पे जा चुका हूँ लेकिन मैं अक्सर जो है बम्प इंटू नया नया जो डोर होता है स्टेयर होता है कॉरिडोर से टकरा जाता हूँ या मिल जाता हूँ इस तरीके से वंस आई गॉट इन फिर एक फनी सी बात बताने की कोशिश करता है कि वंस आई गॉट इंटू द टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूस होटल एक वार्ड में एक टनल में घुस गया जो कि एक माइल लंबा था और फिर मैं निकल के कहाँ आया रूजबेल्ट होटल के पास फिर फिनिशिंग स्टोरी कहता है कि अनदर टाइम आई केम इन टू अ ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ऑन फोटी फोटी सिक्स स्ट्रीट थ्री ब्लॉक अवे यानी कि जहाँ से निकलना था उसे थर्टी थ्री ब्लॉक अवे निकला तो यानी दो घटनाएं वो बताने की कोशिश किया कि उस स्टेशन पर वो कितनी बार जा चुका है लेकिन फिर भी किसी न किसी में टनल में घुस जाता और कहीं ना कहीं निकल जाता फिर अब बताने की कोशिश किया समटाइम्स आई थिंक मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल इज अ ग्रोइंग लाइक ए ट्री जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री के तरह बढ़ते जा रहा है पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर स्टेयर जैसे उसका रूट जो बढ़ता है ना इसी तरीके से जो इसका कॉरिडोर है स्टेयर केस है यानी ये बढ़ते ही जा रहा है इधर उधर यानी कि हर गली में पूरे न्यूयॉर्क सिटी में अंदर ही बढ़ रहा है ठीक देयर प्रोबेबली अ लॉन्ग टर्नल दैट नो बडी नोस और फिर यहाँ कहते कि देर इज़ प्रोबली अ लॉन्ग टनल दैट नो वडी नोज और शायद एक लंबा सा टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द अंडर द सिटी राइट नो और ये जो है फीलिंग इट्स वे यानी कि ये बढ़ते जा रहा है ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर टाइम स्क्वायर एंड द मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क यानी टाइम स्क्वायर और ये सेंट्रल पार्क वगैरह जो है ना काफ़ी फेमस जगह है यानी कि टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क जैसे कि जो है ना कि ट्री की तरह उसका रूट जो बढ़ते जा रहा है इसी तरीके से ये भी बढ़ते जा रहा है टनल और हो सकता है कि इसके बारे में बहुत आदमी को पता ना हो एंड मे बी बिकॉज फॉर सो सो मैनी पीपल्स थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट और बहुत सारे लोगों के लिए ये क्या कहते हैं ये एग्जिट पॉइंट रहा है बहुत सारे लोग इस पर जा चुके हैं अ वे ऑफ इस्केप यानी कि एक तरह से निकलने वे ऑफ स्केप यानी इन सब लाइफ से बाहर निकलने के लिए दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू और शायद इसीलिए मैं भी इसमें जो है जा चुका हूँ बट आई नेवर टोल माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया लेकिन मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया द कॉरिडोर आई वॉज बिगेन अब यहाँ पर शुरुआत किया कि वहाँ पर बीच में अपने बारे में कहानी शुरुआत करना कह दिया और एक जगह शुरुआत कह दिया कि मैं एक आ, एक जगह पिछले कहा था कि आई टर्न इंटू द ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वेंडर बिल्ट एवेन्यू यहाँ से ये यह लिया था और फिर बीच में कहानी बताना शुरू कर दिया दिया, दिया था चीज़ों के में फिर कहता है अब उसी अगर उसको हम यहाँ से कनेक्ट करें कि द द कॉरिडोर आई वॉज बिगेन एंगलिंग लेफ्ट यानी कि जिस कॉरिडोर से वो होकर के जा रहा था कॉरिडोर क्या होता नीचे जो बना होता है स्लाइंटिंग डाउनवर्ड्स अब ये स्लाइंटिंग डाउनवर्ड्स का क्या मतलब जैसे आप दिल्ली में अगर आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए होंगे तो जो आप स्टेशन पे जाने की कोशिश करते हैं तो एक ढलान टाइप से नीचे की तरफ उतरता है एक तरह से मैंने जैसे उसमें स्टेयर नहीं है लेकिन एकदम ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइंट किया हुआ है तो इसी को हम कहते हैं जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है उसमें जो क्या कहते हैं स्टेयर वगैरह बहुत कम है इसी तरीके का बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है कभी अगर मौका मिले तो इसका वीडियो देखिएगा आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कभी कभी ईको भी होता है वहाँ पर साउंड बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है तो कहता है कि द कॉरिडोर वॉज आई बिगेन जिसमें वो जा रहा था एंगलिंग लाइट लेफ्ट में मुड़ गया स्लेंटिंग डाउन वर्ट्स नीचे की तरफ जा रहा था एंड आई थॉट वॉज रॉन्ग और मैंने सोचा कि ये गलत है बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग लेकिन मैं चलता गया ऑल आई कुड हीयर वॉज ए एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फूड्स और जो कुछ मैं मैं सुन रहा था वो क्या सुन रहा था कि मेरे अपने ही पाँव की आवाज़ थी आई डिडेंट पास अ सोल यहाँ सोल का मतलब कोई इंसान हो गया कि जब मैं जा रहा था तो मुझे कोई रास्ते में नहीं मिला देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोअर्स अट दैट मीन्स ओपन स्पेस फिर मुझे होलो रोअर यानी आगे में खाली जगह की जो आवाज़ होती है वो सुनाई दिया दैट मीन्स द पीपल ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग इसका मतलब है कि आगे में लोग हैं वो बातचीत हैं द टनल टर्न शार्प लेफ्ट और जो टनल है वो लेफ्ट में घूम गया आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल फिर मैं आई टर्न शार्प ले वेंट डाउन फिर मैं नीचे गया शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर फिर नीचे होते हुए स्टेयर से केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट अ ग्रैंड सेंटर स्टेट और फिर मैं कहाँ निकला थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थाट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल मुझे लगा कि मैं तो फिर से जो है सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ बट आई सो द रूम वॉज अ स्मॉल लेकिन मैंने देखा कि रूम काफ़ी छोटा था देर वारे फ्यूअर टिकट्स विंडोज एंड द ट्रेन गेट्स बहुत ही कम जो थे टिकट विंडोज थे और ट्रेन गेट थे एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन देंट्रल वुड एंड ओल्ड लुकिंग और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन लोगों को लेता है वो काफ़ी ओल्ड वुड का था और ओल्ड लुकिंग लग रहा था एंड द मैन एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई आई सेड एंड द लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स बहुत पहले लोग पहना करते थे और आई क्या होता है कि आँख के आगे में लगा करके लोग खास करके आज तो लाइट हो चुका है काफ़ी लेकिन पहले खास uh, जो uh, आप देखते हैं कि वेल्डर वगैरह अपने आँख के आगे में वो लगा रहता है ताकि जो जो चिंगारी है उसके आँख में ना पड़े तो पहले क्या होता है कि लोग जो लाइट में काम करता था तो वो वाली लाइट होती थी तो उसमें लगा लेता था ताकि आँखों पे ज़्यादा असर ना करे तो इसलिए कहता है कि मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आइस आइस शेड एंड द लॉन्ग ब्लैक सीब्स प्रोटेक्टर पहना हुआ था दट द लाइट्स व डिम जो लाइट था काफ़ी डिम था यानी कि कम दिख रहा था शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग और फ्लिकर कर रहा था यानी कि स्ट्रेट नहीं था फ्लिकर का मतलब हिलना होता है जब वह कोई लाइट फ्लिकर कर रहा था देन आई सॉ वाई फिर मैंने देखा कि आखिर क्यों ही हो रहा है देर ओपन फ्लेम ग्लैस गैस लाइट वो इसलिए फ्लिकर कर रहा था क्योंकि वो ओपन आज के तरह नहीं है इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था वो ओपन फ्लेम गैस लाइट था इसीलिए वो फ्लिकर कर रहा था देरवर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर अब आजकल कचरे या तमाकू खास करके जो गुटखा वगैरह पिक कर पिट कर स्पिट करने के लिए कहीं ना कहीं जगह बना हो लेकिन उस समय में चूँकि अमेरिका में तमाकू लोग यूज़ करते थे तो उसको कहाँ पर फेंकेंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोटे टाइप से बना होता है ब्रास का इसलिए कहता है कि देर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर यानी कि वो ब्रास स्पिटोन था जिसमें कि लोग थूक तो फेंक सकते थे इस तरह से ऑन द फ्लोर एंड एक स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट मायास और अचानक से मुझे ग्लिंट का मतलब होता है कि लाइट बहुत कम दिखे प्रोड्यूस अ स्मॉल ब्राइट फ्लैश लाइट तो एक थोड़ी सी जो है उसको लाइट दिखा दी उसको नज़र आया कहीं स्टेशन के दूसरे साइड स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ कॉट माया आइस उसका ध्यान उधर गया अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्डन वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट और अपने जो जैकेट था उससे वो गोल्डन वॉच निकाल रहा था ही स्नैप्ड ओपन द कवर उसका जल्दी से जो है स्नैप ओवर ओपन यानी कि उसको खोला ग्लांस्ड एट हिज वॉच इन फ्रॉन और फिर उसको देखा और फ्रॉन फ्राउन का मतलब होता है कि जब आपका ये वाला पार्ट टेढ़ा सा हो जाता है यानी कि जब जब लेट होने लगता है तो इस तरीके से ही वॉर a डरबी हैट डरबी हैट क्या होता है एक तरह से हम कह सकते हैं आ, एक बॉलर हैट को डरवी हैट कहा जाता है ऊपर में वो काफ़ी ऊपर टाइप से बना होता है उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है उसको हम डर हैट कहते हैं सो आई तो वो डरवी हैट पहना हुआ था ब्लैक फोर बटन सूट ये ब्लैक फोर बटन सूट नए ज़माने में लोग पहनता लेकिन सॉरी पुराने ज़माने में जो है वो पहनता था ब्लैक फोर बटन सूट्स एंड दे टाइनी लेपल्स ये लेपल्स क्या होता है स्ट्रिप होता है जो कि जैकेट में बना होता है इसको एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंटर हैंडलर मूस्टेच अब हैंडलर मोस्टेज क्या होता है था? जो मूस्टेज या ऊपर से निकल के नीचे की तरफ आता है आजकल फैशन में कभी कभी देखे हैं एक तरह से हम कह सकते हैं जो वो हमारा एक सोल्जर जो पकड़ा गया था तो उसका जो मूस्टेज था वो हैंडल बार मोस्टेज की तरह ही था सो so, हैंडल बार मोस्टेज देन आई लुकड अर ऑन एन सॉ द एवरी वन इन द स्टेशन वॉज अ ड्रेस्ड लाइक एटीन नाइनटीन समथिंग और फिर क्या कह रहा है कि चूंकि नाइनटीन फिफ्टी में जो स्टोरी लिखी गई थी और एटीन और नाइनटीन का मतलब क्या हो गया कि अठारहवीं और या जो सत्तरवीं शताब्दी था उस तरीके से हम कह सकते यानी कि सेवनटीन और एटीनथ की बात जो है उसे तो फिर इसने देखा कि जो लोग थे वहाँ पर एटीन नाइनटीन सेंचुरी की के तरह दिख रहा था आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स साइड बॉन्ड्स एंड फेंसटी मूस्टेच इन लाइफ फिर उसको बड़ा मज़ा आता है कि उसने कहा कि मैं अपने लाइफ में कभी भी साइड बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि ये जो पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि खास हॉलीवुड मूवी देखिए तो यहाँ पर ऊपर से आपका जो बाल बनता है तो मूस्टेच को लेकर के यहाँ थोड़ा सा बाल छोड़ दिया जाता है दोनों अपने चिक पे और औरज जो लगा रहता है उसको साइड बर्नस कहते हैं तो कभी अगर होगा तो आप उसका वीडियो देख लीजिए क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है उसको दिखाने के लिए कभी मौका मिला तो आगे दिखाएंगे सो आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स साइड बर्नस एंड फैंसी मुस्टेज इन माई लाइफ मैंने कभी नहीं देखा अ वूमेन वॉकड इन 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 थ्रू द ट्रेन इन इन थ्रू द ट्रेन गेट यानी कि एक वूमेन जो है वो गेट से ट्रेन से निकली शिव वॉर ड्रेस्ट विद द लेग ऑफ मटन स्लीव्स यानी मटन लेग्स ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब कि पूरा इस तरह से झूलता हुआ स्लीव बना होता है हाथ में मटन स्लीव्स उसको कहते हैं एंड द स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज और उसका जो हाई बटन शूज था यानी कि जो शूज में बटन लगे होते लंबा सा वहाँ तक उसका स्कर्ट्स था बैक ऑन हर उसके पीछे ऑट ऑन द ट्रैक पे आई कॉट अ ग्लिंप्स ऑफ ए लोकोमेटिव एन अ वेरी कुरियर एन आई विश लोकोमेटिव विद अ फनल शेप स्टेक एंड देन आई इन यू और फिर उसके पीछे देखा कि ट्रैक पर क्या है कुरियर एंड आई विस यानी कि पुराने ज़माने में जो ट्रेन चला जाता है जैसे कि हम पहले जो हमारे यहाँ इंडिया में भी जो ट्रेन चलता जिसका कि ऊपर में जो धुआँ निकलने के लिए बना होता था उस तरीके का और ये जो कुरियर ऑन आईविस कहा जाता है ये अमेरिका में जैसे किसी चीज़ को अगर पुराने जमाने से इंडिकेट करना होता है तो उसको इंडिकेट कर देता है इस तरह से तो फिर उसने देखा कि आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमेटिव यानी कि उसने ट्रेन देखा जो कि वेरी स्मॉल कुरियन एंड आईस लोकोमेटिव था यानी पुराने जमाने का था विद अ फनल सेफ जिसका स्टेक यानी फनल सेप्स था एंड देन आई न्यू फिर उसको समझ में आया कि वो एटीन नाइनटीन एटीन नाइन्टी में पहुंच गया है टू मेक श्योर इसकी वो एटीन सेंचुरी में पहुँच गया है या इस तरीके के टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यू बॉय सॉरी न्यूज़ बॉयज फिर वो जो न्यूज़ पेपर बेचता था उसके पास पहुँचा एंड ग्लान्स एट हिज एट द स्टेक ऑफ द पेपर्स और फिर देखा कि वो जो अपने एट हिज फीट अपने फीट पे पाँव पे जो है उसका पेपर जमा था उसको देखा इट वॉज़ द वर्ल्ड और जो पेपर था वो क्या था जो पेपर का टाइल जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया होता है हिंदुस्तान इस तरह से क्या था वो इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश फॉर ईयर यो वो पेपर था बहुतों साल से वो पब्लिश नहीं हुआ था द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड जो जो मेन स्टोरी था उसमें वो क्लेवलैंड के बारे में बताता आई हैव फाउंड दैट फ्रंट फ्रंट पेज सिंस और क्या कहता आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स और उसने कहा कि ये जो फ्रंट पेज था वो उसको पब्लिक लाइब्रेरी में मिला था एंड इट वाज प्रिंटेड जून इलेवन एटीन नाइनटीन फोर यानी ये जो पेपर जो वहाँ बिक रहा था वो उसको और उसमें जो स्टोरी थी उसको आ, ये नरेटर को कहाँ मिला था लाइब्रेरी में मिला था तो इससे इसको पता चल गया कि ये जो थर्ड लेवल है वो वाकई में एटीन नाइन्टी फोर का है यानी कि पुराने समय का आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज़ नोइंगट देर ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल यानी कि मैं जानता था कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल के टिकट स्टेशन कहाँ पर है तो विंडोज़ यानी वहाँ पर गया थर्ड लेवल पर आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइट स्टेट वी वॉन्टेड टू गो कह मैं ले टिकट ले सकता था थर्ड लेवल पर Uh, मैं और मैं अपने वाइफ के लिए जो कि मुझे यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी लेकर जा सकता था इन द एटीन 1894 1894 एटीन में चूँकि अब ये वो, 1894 में पहुंच गया था इसलिए कह रहा है एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गर्ल्सबर्ग एंड इलिनोइस अब ये दोनों जगह है कहा कि उस जगह का मैं टिकट जाता था हैव यू एवर बीन देर क्या कहते हैं कभी भी आप वहाँ पर गए हैं एल्सबर्ग और इलिनोइस में तो इसने कुछ क्वेश्चन uh, पूछा हम लोगों से कि एंड आई देयर क्या आप लोग कभी गए हैं इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल काफी शानदार सा जगह है विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस ये यहाँ जो घर होते हैं वो ओल्ड फ्रेम हाउस फ्रेम हाउस होता है कि एक तरह से ऊपर जो शेप का घर बना होता है उसी को कहते हैं फ्रेम हाउस ह्यूज लॉन्स एंड द ट्रीमेंडस ट्री काफ़ी ट्री बड़े बड़े हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो दोनों तरफ से इस तरीके से मिलता है कि एक तरह से रूफ बन जाता है गलियों में छत का काम करता है यानी इन 1894 इन 1894 में समर इवनिंग वर् ट्वाइस एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स यानी जो 1894 में जो समर इवनिंग होता काफ़ी लंबा होता था और लोगों लोग क्या कहते थे अपने लॉन में बैठ कर के बातचीत करते रहते थे मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली जो मेन्स होते सिगार पीते एंड वोमेन वेबिंग पाम लीप्स फैन और उस ज़माने में ये इतने आज एडवांस तो थे नहीं तो पाम लीव्स के फ़ैन बना करके अपने आप को हवा लगा रहते थे विद द फायर फ्लाइज और जो फायर फ्लाइज होता है पूरे घूमते रहता था इधर उधर इन द पीसफुल वर्ल्ड और का, काफ़ी शांत होता था टू बी बैक देयर विद टू बी बैक विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल ट्वेंटी ईयर्स ऑफ अब अगर ये बात सही है कि एटीन नाइन्टी फोर की बात हो रही है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो नाइनटीन फोटीन में हुआ था यानी कि बीस साल अभी बाकी था वर्ल्ड वॉर होने में एंड एंड वर्ल्ड वॉर टू ओवर फोर्टी ईयर्स इन द फ्यूचर और वर्ल्ड वॉर टू जो था लगभग अब उसका बीस फोर्टी ईयर्स यानी क्योंकि चालीस साल बाकी uh, था क्योंकि नाइनटीन थर्टी फोर में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर तो ये बताने की कोशिश कर रहा कि वो एटीन नाइन्टी फोर में कैसा समय था कैसा वो वहाँ पहुँच गया फिर वो क्या कहता है द टिकट फिगर एटीन नाइन्टी फोर आई वॉन्टेड टिकट फॉर दैट तो अब वो जो दोनों जगह वो चाहता था उसके लिए वो घूमना चाहता था तो वहाँ का वो टिकट चाहता क्योंकि थर्ड लेवल में पहुँच गया था एटीन नाइनटी फोर में पहुँच गया अठारह सौ चौरानवे में द टिकट द क्लर्क फिगर द फेयर जो क्लर्क था वहाँ पर उसने अपना फिगर का मतलब कैलकुलेट किया ही ग्लान्स एट माई फैंसी हैड बैंड और मेरे जो हैड थे उस पर जो बैंड बना हुआ था उसको उसने घूर करके देखा तो चूंकि ये नए जमाने से गया हुआ था ये तो नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी से गया था और वो एटीन सेंचुरी में था तो उसको भी लग रहा होगा टिकट कलेक्टर को कि आखिर ये क्या पहना हुआ है उस जमाने में तो इसलिए उसने उसको घूर करके देखा जैक uh, फिनी को मैंने एक नरेटर को बट ही फिगर द फेयर किंतु उसने अपना फिगर कैलकुलेट किया एंड आई हैड इनफ फॉर द टू कोच टिकट वन वे नरेटर कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा था कि एक साइड का जो टिकट जो है वो बन सकता था इतना पैसा था मेरा बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप लेकिन जब मैंने काउंट किया मनी को देखा द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी क्लर्क मुझे घूर करके देख रहा था एंड ही वॉज नोडेड एट द बिल्स और उस बिल्स का मतलब यानी उसी को पैसे को दैट्स एंट मनी मिनटर अब वो कह रहा है कि टिकट कलेक्टर मिस्टर ये जो पैसा आप दिखा रहे हैं ना ये पैसा नहीं है ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी अगर आप मुझे ठगने की कोशिश कर हैं मजाक उड़ा रहे हैं यू वुडेंट गेट वेरी फार आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाले हैं ही ग्लान्स एंड एंड ही ग्लानस्ड एट द कैश ड्रॉवर बी हिम और फिर उसके बगल में थोड़े सेकंड के लिए जो टिकट कलेक्टर था उसके बगल में जो रखा हुआ था वो कैश ड्रॉवर उसको उसने देखा ऑफकोर्स द मनी वॉज़ ओल्ड स्टाइल बिल्स और जो मनी था वो पुराने जमाने में जो लंबा सा बिल बनता उसके टाइप से था हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नवर डेज तो फिर नाटा कहता कि आज जो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे काफी आधा बरा था एंड डिफरेंट लुकिंग और अलग भी दिख रहा था आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट फिर मैं वहाँ से भाग करके आ गया देर इज़ अस नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन एटी नाइन अब फिर मजा ये मजाक उड़ाते करे कि 1894 में जेल के में भी कुछ एक अच्छा अच्छा नहीं था देर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल जेल के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं था एंड दैट वॉज एंड दैट वॉज दैट और जो फिर जो नारेटर स्टोरी बताने की कोशिश किया था कि व्हाट हैपन जो फर्स्ट पेज पे हमको नरेटर ने ये बताने की क्या क्या था एनी वे व्हाट हैपेन वॉट एट द ग्रंटल नाइट तो ये इस तरीके से बताया कि कैसे वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था अब कहता है द नेक्स्ट द सेम वे आई केम सॉरी आई लेफ्ट द सेम वे आई केम और फिर मैं उसी तरीके से बाहर आ गया आई सपोज नेक्स्ट आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आर दूसरे दिन मैंने लंच आवर में आई ड्रू थ्री हंड्रेड डॉलर आउट ऑफ माई बैंक मेरे जो बैंक थे उसमें थ्री हंड्रेड डॉलर थे मैंने निकाल लिया नियरलील वी हैड यानी कितना मेरे पास था यानी उसके पास उसके वाइफ के पास एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी और फिर मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी जो तो खरीद लिया दैट रियली वीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो थे वो काफ़ी चिंतित थे यू कैन बाई ओल्ड मनी एट एनी कोइन डीलर्स यानी कि जो भी पैसे क्वाइन डीलर्स होते हैं ना खास करके कहीं पर भी पैसे का ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ से खरीद सकते थे बट यू हैव टू पी पे अ प्रीमियम लेकिन आपको थोड़ा सा प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता था माय थ्री हंड्रेड डॉलर अबाउट लेस देन टू हंड्रेड इन ओल्ड स्टाइल यानी कि कुछ उसका प्रीमियम ही भी गया इसीलिए 300 थ्री हंड्रेड डॉलर जो था उसका टू हंड्रेड ओल्ड स्टाइल बिल्स उसको ला करके के दिया यानी कि पैसे दिए बड़ा इक्डेंट के लेकिन मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्स वर्थ थर्टीन सेंट डजन इन एटीन नाइन्टी फोर एटीन नाइन्टी फोर में जो एग्स थे वो थर्टीन सेंट हुआ करते थे डजन यानी एक डजन का जो कीमत था वो थर्टीन सेंट हुआ करता था सेंट क्या होता है डॉलर का हंड्रेड पार्ट यानी सोचे कितना सस्ता सामान बिक रहा था इसलिए कहा कि दो ही दो डॉलर है तो काफ़ी है बट आई हैव नेवर अगेन फॉन द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेश और फिर मुझे कभी भी वो जो है कॉरीडोर नहीं मिला जो कि थर्ड लेवल पर मुझे ले करके जाए आई हैव ट्राइड इनफ ऑफन ग्रैंड सेंट्रल ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ मैंने अक्सर जो है इस पर कोस काफ़ी मेहनत किया कि मैं उस चीज़ को डूँ लुइसा व स्प्रिटी वरीट वो काफ़ी चिंतित होगी वेन आई टोल्ड हर ऑल अबाउट दिस जब मैंने इसके बारे में कहा उसकी वाइफ काफ़ी चिंतित होगी एंड डिडन्ट वॉन्ट मी टू लुक फॉर अ थर्ड लेवल एट एनी वॉल लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसके बारे में कभी ना ढूंढूं ना बात करूँ एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप मैं कुछ समय के बाद छोड़ दिया उस चीज़ को आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प और फिर मैं जो स्टाम्प कलेक्शन का काम था वो शुरू कर दिया बट नाव वी आर बोथ लुकिंग अब फिर कह रहा है कि जो उसकी वाइफ थी जो उसको मना कर दिया था अब उसकी वाइफ वाइफ और दोनों दोनों उस चीज़ को ढूंढ रहा है कब एवरी वीकेंड जब भी उसको सैटरडे संडे को मौका मिलता है तो उसको बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर कि थर्ड लेवल है अब ये प्रूफ क्या है वो आगे बताने की कोशिश किया है इसने माई फ्रेंड सैमर वेनर डिसअेयर अब ये जो सेम वनर है इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे कौन है थोड़ा सा हम हिस्ट्री रहने देते हैं कि ये जो सेम वनर था कहता कि माए जो फ्रेंड थे सेम वनर वो गाइब हो गया नो वडी न्यू वेयर किसी को पता नहीं था कहाँ गया बट आई सॉट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सेम्स अ सिटी बॉय लेकिन मुझे संदेह है कि वो कहाँ है क्योंकि सैम जो था सिटी बॉय था एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गर्ल्स uh, वर्ग और मैं गर्ल्स वर्ग के बारे में उसको बताया करता था आई वेंट टू स्कूल देयर मैं उसको वहाँ पे स्कूल जाया करता था यानी नरेटर कह रहा मैं स्कूल जाया करता था एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस और फिर वो कहता था उसका दोस्त जो था जब ये स्कूल के बारे में गर्ल्स वर्ग के बारे में बताता था तो वो कहता था कि आ, उसको भी उसमें काफ़ी मज़ा आता था एंड दैट्स वेयर ही इज़ और फिर ये कहता कि हाँ अब यहाँ पर ये यह थोड़ा सा इस स्टाइल में कि हाँ वो वहीं पर है क्योंकि गायब हुआ है तो कहीं नहीं गया होगा क्योंकि उसको जगह पसंद था वो वहीं गया होगा यानी कि एटीन नाइन्टी ऑल राइट इन एटीन नाइन्टीन फोर यानी कि एटीन नाइन्टीन फोर में वो चला गया है बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माय स्टाम्प कलेक्शन अब यहाँ पर आगे पता कि एक रात वो अपने स्टाम्प कलेक्शंस को फशिंग का मतलब होता है कि, कि किसी चीज़ से छेड़खानी करना या इधर उधर करना उसको अपना ढूँढने की कोशिश करना या करना तो वो अपने स्टैम्प कलेक्शन से कर रहा था आई फाउंड रेटर को क्या मिला आई फाउंड वेल डू यू नो अब यहाँ पर फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में पूछा जो कि मैंने आपको शुरू बताया डू यू नो वाट अ फर्स्ट डे कवर इज फर्स्ट डे कवर क्या होता है वेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशू जब एक न्यू स्टैम्प को इशू किया जाता है स्टैम्प कलेक्टर बाइस सम स्टैम्प कलेक्टर जो होता है कोई भी वो खरीद लेता है एंड यूज देम टू मेल इन वल्स टू डेम सेल और क्या करता है अपने आप को मेल कर देता है ऑन अ वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन ऑफ ऑफिस सेल जब बिकता है वो एंड पोस्ट मार्क प्रूव द डेट ताकि और जो पोस्ट मार्क होता है यानी कि अगर उसको मेल करता है तो पोस्ट मास्टर उस स्टैम्प पर मार्क करेगा तो उससे उसका प्रूव हो जाता है कि इसी दिन इशू हुआ था अदरवाइज लोग कहेगा कि 11 तारीख को इशू हुआ था तुमने तो 15 को खरीदा था एक साल बाद खरीदा इसकी क्या प्रूफ है तो इसलिए उस पर उसको मार्क मरवा यानी कि अपने आप को मेल कर देता द इन्वेल्प इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डे का वो जो इन्वेल्प होता था उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता देर आर नेवर ओपन वो कभी खोला नहीं जाता था यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेल्प्स और आप क्या कर आप क्या करते थे अगर कोई जो भी यू का मतलब यहाँ लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि जो ख़रीदता था उसको क्या करता था उसमें ब्लैंक पेपर डालता था क्योंकि अपने ही मेल पर मंगा था तो उसमें क्या डालना कोई लेटर वगैरह डालना नहीं था दैट नाइट अमंग मई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर यानी क्या वो कह रहा है कि उसका जो पुराना ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर था आई फोन वन दैट शूडेंट बी देयर एक जो उसमें उसको मिला फर्स्ट डे कवर जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था अब वो क्या है बट देयर इट वॉज लेकिन वो वहाँ पर था इट वॉज़ देयर बिकॉज सम वन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर क्योंकि ये वहाँ पर उसके पुराने जो फर्स्ट डे कवर था उसमें एक लेटर एक फर्स्ट फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए वो इसलिए मिला कि कि, किसी ने उसके ग्रैंड फादर को किया था एट हीज़ होम इन गेल्स वर्ग यानी गेल्स वर्ग में उसके ग्रैंड फ़ादर को मेल कर दिया था डैट्स व एड्रेस ऑन द इनवलप सेट जो कि एड्रेस जो था उस पर उस, उस पे एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई नाइन्टी फोर और उस पर जो डेट मेंशन था वो क्या था एटीन जुलाई एटीन फोर द पोस्ट मार्क्स शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं आता है द स्टाम्प वॉज सिक्स सेंट जो स्टाम्प था वो सिक्स सेंट में मिलता था उस डल ब्राउन उसका कलर ब्राउन हो गया था विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गर्लफ्रेंड यानी कि जो गर्लफ्रेंड थे उस उस प्रेसिडेंट का तो पिक्चर था नेचुरली व्हेन द इनवेलप केम टू अ ग्रैंड डैड इन द इन द मेल यानी कि नेचुरली जब ग्रैंड फादर के पास वो आता था मेल इट वेंट इन टू हिज कलेक्शन उनके कलेक्शन में जाता था एंड स्टेड देयर और वहाँ पर रह जाता था टिल आई टू इट आउट एंड ओपन जब तक कि मैं उसको खोलता नहीं था और पढ़ता नहीं था द पेपर इन साइट वॉज अ ब्लैंक इट रेड अब कह रहा है कि जब वो उतने सारे उसके ओल्ड कलेक्शन में मिला तो उसने सारे ओल्ड कलेक्शन में जो इन्वेल्प मिला वो ब्लैंक नहीं था जब उसको उसने फाड़ा उस पर क्या लिखा था फोर नाइनटीन फोर्टी वन विलियम्स स्ट्रीट गेल्स वर्क एलोनीस जुलाई एटीन नाइन्टी फोर चार्लीज यानी उसके ग्रैंड को नहीं चार्ली के नाम से था आई गॉट टू विशिंग यू वर राइट मैं सोचता था कि तुम सही हो गए देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट फिर मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही थे एंड चार्ली इट इज़ ट्रू और चार्ली ये सच है आई फाउंड द थर्ड लेवल मुझे थर्ड लेवल मिल गया आई हैव बिन हीयर फॉर टू वीक्स मैं दो वीक्स से यहीं पर हूँ एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स सम इन डेल्स समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो और फिर मैं कह रहा कि जो डाउन स्ट्रीट में जो टेल्स जगह का नाम है वहाँ पर क्या कह रहा है कोई जो है पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम और कोई जो है अपने पोर्च में पोर्च क्या होता है जो आपके जो घर होते आगे में जो एक तरह से बालकनी तो ऊपर में होता है जो नीचे वाला जो 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 सड़क से लगा होता है पोर्सन उसमें जब लोग चेयर लगा करके बैठते उसको पोर्च कहते तो उसमें बैठ कर के लोग गाना गा रहे सिंग लिया हो एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमन एड और मुझे नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया गया है कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा फिर कहता है कि तुम लोग भी आओ यहाँ पर कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल तब तक ढूंढते रहो जब तक कि थर्ड लेवल नहीं इट इज़ अ वर्थ इट काफ़ी है शानदार है बिलीव मी मेरा विश्वास करो द नोट इज साइन सैम और जो नोट किसके तरफ से भेजा गया था सैम के तरफ से अब फिर कहता है एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू फिर वो स्टैम्प जो जहाँ से खरीदा था वहाँ पर क्वाइन स्टोर पे वो गया आई फाउंड आउट मुझे पता चला दैट द सेम बाउट यानी उसका जो दु, दु, आ, सैम जो सैम था सैम बाउट एट हंड्रेड डॉलर्स वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी उसने चार सौ सर एट हंड्रेड डॉलर्स यानी एट सौ एट हंड्रेड डॉलर्स के ओल्ड करेंसी ख़रीदा ये जो नरेटर था उसने तो शायद फोर थ्री हंड्रेड का ही ख़रीदा था उसने एट हंड्रेड का खरीदा दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन ग्रेन बिजनेस जिससे वो अच्छा सा अपना जो है ग्रेन बिजनेस यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं गेहूँ का या चावल का बिजनेस वो वहाँ पर शुरू कर दिया हो गया कहाँ पर एटीन नाइन्टी फोर में यानी कि जो थर्ड लेवल से जो गया था वहाँ पर ही ऑलवेज सेडर वो हमेशा कहा करता था व्हाट्स ही रियली विशेष ही कुड डू जिसकी वो हमेशा इच, इच्छा जाहिर करता था कि वो करेगा एंड ही सटली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस और सच में वो जो उसका ओल्ड बिजनेस था ओल्ड बिजनेस क्या था वो आगे पढ़ेंगे कि उस पर वो नहीं जा सकता है नॉट इन गेल्स वर्क और एलिनूज और जो ओल्ड बिजनेस था वो जो है गेल्सबर्ग और इलेन्यूज़ में नहीं कर सकता था इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस अब उसका ओल्ड बिजनेस क्या था वाई सेम वॉज़ माई साइकेट्रिस्ट यानी उसका दोस्त जो था साइकेट्रिस्ट वही सेम था और वो मना करता था वही थर्ड लेवल पे पहुंच गया और ये जो लास्ट में कहता था कि इस ज़माने में यानी 1894 में सेक्रेटरिस्ट वगैरह होता नहीं था सकेट्रिस्ट का बिज़नेस उसका चलता नहीं इसलिए उस जमाने में वो काम वो कर नहीं सकता तो उस जमाने में क्या करता था यानी कि खेती कर सकता था ग्रेन और इसकी खेती बिजनेस कर सकता था इसीलिए कह रहा है कि वहाँ पर वो कर रहा होगा और ये काम नहीं कर तो एक तरह से ये बड़ा सा उलझन से मिस्ट्री वाली है चूँकि ये जो नारेटर थे अक्सर साइंस की फिक्शन लिखा करते थे तो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये समझने में चैप्टर uh, को दिक्कत होता है तो जिस लाइन को या जिस चीज़ को समझने में दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे दैट्स सेट फॉर द डे सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर